शांति। आज की तारीख है 27/12/22 और आज की ज्ञान मुरली त्रिनेत्री शिव पिता परमात्मा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद भोलानाथ बाप के द्वारा हम ये ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। प्रश्न है, ज्ञान की धारणा न होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, बुद्धि भटकती है, एक के साथ पूरा योग नहीं है, देही अभिमानी नहीं बने हैं, इसलिए धारणा भी नहीं होती है। बाबा कहते, बच्चे फैमिलियरिटी में नहीं आओ, एक दो के नाम रूप को याद मत करो, एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का कर लो, दूसरों के पिछाड़ी न पड़ो, बाप से राय लेते रहो, इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे और धारणा भी अच्छी होंगी। गीत बजा है, भोले नाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला, कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर 1, बाप समान ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है, सिर्फ पढ़कर के नहीं सुनाना है, धारणा करके फिर समझाना है। नंबर 2, खान पान की बहुत परहेज रखनी है, श्रीमत का पालन कर प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे पवित्र रहते हैं ये अनुभव दूसरों को सुनाना है। वरदान पिता परमात्मा शिव का साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं, कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकती। आप ब्राह्मण आत्माएं, पुरुषोत्तम और योगी आत्माएं हो, प्रकृति आप मालिकों की दासी है, इसलिए प्रकृति के कोई भी साधन व सेल्वेशन आपको अपने प्रभाव में प्रभावित न कर ले, साधन साधना का आधार न हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। स्लोगन है, एवर रेडी वह है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।